अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो है नाशिक सिटी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नाशिक 2021, नाशिक स्काईलाइन महाराष्ट्र स्मार्ट सिटी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, स्काई स्क्रैपर्स। दिल्ली में भी है और बीच में भी कई बिल्डिंग्स हैं, थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का सिटी है। क्या बात है, जबरदस्त खूबसूरत शहर है यार ये, ये पूरा बहुत इलाका, बहुत बड़ा इलाका लग रहा है ये। आफ्टर चढ़ने टेम्पल ये देखें, खाइया पहाड़ों के ऊपर भी किले तरीके से ग्रीनरी देखिए यार, ये तो बहुत ही एक टूरिज्म का इलाका होगा। बालाजी टेम्पल है, बालाजी टेम्पल का तो नाम सुना था ना मैंने। सिटी भी है, गांव भी है, मतलब ये तो एक मिस्ट्री चीज़ हो गई, क्या है क्या है ये वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे अंगूरों में होंगे तो यहाँ से वो बनता है ना फिर वाइन। ये सिटी एरिया होगा, हर हर सिटी उसके साथ एक प्रॉपर डेवलप सिटी भी होता है ना, साथ में फिर एग्रीकल्चर भी है, पहाड़ भी है, मराठी मराठी।
ये देखो ना पहाड़ों के करीब है यार, ये देखो हो ये देखो एयरपोर्ट जैसे है, स्मार्ट अमेज़न, ये देखो स्मार्ट अमेज़न, सम्राट अमेज़न, सम्राट सम्राट नाशिक में होते हैं प्रिंट, खूबसूरत है यहाँ, क्या बात है, बिल्डिंग्स देखे आप, और एक छोटा सिटी नहीं, अच्छा बड़ा खासा बड़ा सिटी है, बहुत ही आला, बहुत ही आला। ये देखे वहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, एग्रीकल्चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या चीज है, कुछ स्टार्ट में दिखाई थी बिल्डिंग्स वगैरह मेरे ख्याल में। जी जनाब, क्या बात है, क्या ही बात है। अच्छा ये शहर, ये सिटी तो थोड़ा मिस्ट्री टाइप का हो गया, पूछे कैसे कुछ, यानी कि यार पहाड़ों पहाड़ हैं, कहाँ है ये सिटी, नदी है, पानी है, समंदर है, और एग्रीकल्चर है, और बिल्डिंग्स हैं, पहाड़ भी और बिल्डिंग्स भी हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मैच हो रही हैं, मतलब ये ऐसा लग रहा है दो सिटी हम देख रहे थे, क्या था ये, हर चीज क्या था, हर चीज आप हमें बताएंगे क्या था, तो ये क्या था, मतलब कि ये जदीद शहर है, एग्रीकल्चर शहर है, आईटी का हब है, मतलब ज़बरदस्त यार, ऐसा होता नहीं है, मॉल्स पर कैपिटल ऑफ दुबई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई जदीद तरीन शहर के कोई एक नए, और वहाँ देखो तो पहाड़ भी दिख रहे हैं, पानी भी दिख रहा है, अंगूर भी उग रहे हैं, तो वहाँ वाइन्स भी बन रही हैं, कमाल है यार, बहुत बिल्डिंग्स देखी आपने कितनी, बहुत मतलब बहुत ही यादगार सिटी रहने वाला है, ये नॉर्मल सिटी जैसे बिल्डिंग्स हैं तो बिल्डिंग्स ही हैं, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है, ये मतलब है कि रह जाने वाला, यादगार रह जाने वाला सिटी, कंप्लीट पैकेज है हर चीज। तो जनाब शॉकिंग जो बात है। अच्छा इंडिया के जितने भी हमने सिटी देखे हैं, अगर वो जदीद तरीन डेवलप सिटी ही क्यों ना हो, उन्होंने ग्रीनरी का हमेशा ख्याल रखा, उन्हें उन्होंने आवाम के लिए अच्छी ऑक्सीजन के लिए, और फिर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शायद पॉल्यूशन कम है, ग्रीनरी है, तो शायद आइडियाज मेरे हिसाब से बराबर होगा, मेंटली तौर पर वो ज़्यादा फिट हैं, क्योंकि उनके पास नई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, नदी जदीद तरीन मतलब आइडियाज पर वो वर्क करते हैं, और नई नई चीज़ें बनाते हैं, नई नई चीज़ों पे तरक्की मुल्क के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऑक्सीजन हेल्थ, मैंने एक चीज़ देखी है, प्रॉब्लम से पहले ही एंटी तैयार होता है, देखे ना यार, उनको पता होता है हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे कह रही हो कि वाकई मतलब है कि इन्होंने ये ऐसा लगता है कि शायद ये थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, मतलब जो होने वाला है, अब देखे ना वो पेट्रोल को लेके, गाड़ियों को लेके, और इन्हीं की कंट्रीज़ में नई नई चीज़ें बन रही हैं, लेकिन ये सिटी तो मैं कहता हूँ शायद टूरिज्म भी यहाँ होगी 100%, मतलब लोग आते होंगे, घूमते होंगे, पहाड़ देखा आपने, पूरा ग्रीन पहाड़, बारिशें भी बहुत होती होंगी, जितनी ग्रीनरी है मुझे लगता है बारिश, और ये ऐसा लगता है मुझे कि आप देखती हो, मैंने देखा है कि जहाँ सिटी होता है तो सिटी के साथ सिटी होता है, फिर सिटी के साथ सिटी, तो आबादी जो बढ़ती है वो शहरों से, शहर से बढ़ती है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है इंडिया की जो डेवलप सिटीज़ हैं, या इनके जो फाइनेंसर्स हैं, या जो सिटीज़ आबाद करते हैं, आबादियाँ, कॉलोनीज़, सोसाइटीज़ बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिटीज़ के साथ सिटीज़ तो बनाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत ही खूबसूरत जगह पर सिटी ही ले जाते हैं, खूबसूरत से पहाड़ हैं, तो सिटी तो स्टार्टिंग से है, तो है
नहीं, आप समझे नहीं। मिसाल के तौर पे नया सिटी जब बनता है तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सिटी के साथ सिटी हो। अच्छा, जैसे ही बहरिया टाउन बना तो बहरिया टाउन के इश्तहार में क्या कहा जाएगा? कराची से इतने किलोमीटर दूर। अच्छा भाई, हैदराबाद से इतने किलोमीटर दूर, यानी कि लोग मुतमइन होते हैं। अब जंगल में तो लोग नहीं जाएंगे ना जंगल। तो ये एक बहुत ही दुनिया की तमाम सहूलियात खूबसूरत सी जगह पर ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, हाँ, भले वो जंगल ही क्यों ना हो, लेकिन वो जंगल नहीं होता, वो खूबसूरत प्लेस होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर इनकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यानी कि आप या तो शहर होता है या गांव देहात होता है, पहाड़ होते हैं, खूबसूरती होती है, नेचर, दोनों चीज़ों का कॉम्बो कैसे है? इस सिटी में मैं कह सकता हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि बाकायदा ये आबाद किए हुए शहर हैं। और फिर अब इन 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 जगहों तक आबादी हमारे अगर इस तरह से कोई किया जाए तो लोग थोड़ा सा कतराएंगे, लेकिन इनके यहाँ जब आप इस तरह की आबादी को जगह देते हो रहने के लिए, तो आप उनको बिजनेस भी साथ देते हो, आप फैक्ट्रीज़ भी लगवाते हो, आप वहाँ का ट्रांसपोर्ट भी पहुँचाते हो, वहाँ ट्रेन भी पहुँचती है, वहाँ मेट्रो भी पहुँचती है, तो आबादी रहती है। बिल्कुल ऐसे। तो यार मैं तो कहता हूँ कि समझो एक तरह से दोनों चीज़ें के मज़े एक साथ ले रही हैं, कसम से। बस हाँ, मैं एक बात बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने जितने भी मतलब इंडिया की सिटीज़ देखे हैं, आपको नहीं लगता कि हर सिटी ही ग्रोन अप है, हर सिटी ही वेल डेवलप्ड है? जबरदस्त, बिल्कुल। और हर सिटी की अपनी अहमियत है। और हाँ, और हर जगह बेसिक नीड्स प्रोवाइडेड है, हर चीज अवेल है, फैसिलिटेट किया गया है, तो नीट एंड क्लीन है। आपने देखा कोई सिटी गंदा आपको दिखा? मुझे तो नहीं दिखा, मतलब सफाई का बड़ा। हाँ, इस तरीके से आपको कहीं पे भी दिखा हो, पॉलिथीन दिख रही हो, डर्ट दिख रहा हो? नहीं, सफाई का बड़ा ख्याल है, बहुत खास ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, हमें तो बहुत जबरदस्त लगा, बड़ा मजा आया, बहुत ही दिल खुश हो गया, रूह ताज़ा, क्या कहते हैं, रूह ताज़ा हो गई। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।